प्रदेश में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दबंगों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला फरुखाबाद के थाना कमालगंज नगर के मोहल्ला आजाद नगर का है, जहां दबंगों का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर का रहने वाला एक युवक अपनी बहन के साथ आजाद नगर कमालगंज में रहकर LLV की परीक्षा दे रहा था, जहां बहन के पड़ोसी शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने युवक के साथ हाथापाई की। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने तलवार से युवक का हाथ काट दिया, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। हमारे घर पे जहां लोग रूम पे रहते थे, वहां आके गालियां दी, सामने खड़े होते थे। क्या हुआ? रूम पे रहते थे, पढ़ाई करते थे, वहां आके पहले गालियां दी, सामने रूम पे आके खड़े होकर, फिर आके वहां से हम लोग बाहर निकले तो सीधे तलवार से उसने। नहीं नहीं, अभी आपकी चोट कैसी लगी? उसने तलवार से मारा। मेरा कितनी तलवार मारा? अवस्था में आया है, उसके दाहिने हाथ पे किसी धारदार औजार द्वारा प्रहार किया गया है। इसकी कलाई पे काफी गहरा कट है, जिसमें टेंडन कटे हुए हैं, जिससे उसकी कलाई अंदर की तरफ मुड़ गई है, और उसको एक्सरे के लिए एडवाइस किया है। हड्डी भी चुपट सकती है। इसका ब्लड काफी संज्ञा ब्लड पता बह गया, ब्लड बह गया है, लेकिन गंभीर की स्थिति में नहीं है। अभी फिलहाल में कोई गंभीरता की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ। वहीं परिजनों ने घायल को थाने के गेट पर लिटाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां घायल की हालत सामान्य बताई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।